किचन में पेशाब किया, फिर एक डिब्बे में लिया और फिर उसे आटे में मिलाकर रोटी बना दी। सुनकर ही घिन आती है, तो सोचकर देखिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी जिसने एक घरेलू नौकरी के इस गुनाह को सहा है। इस वीडियो में आप इस महिला की इसी हरकत को देख सकते हैं कि कैसे महिला किचन में पेशाब करके उसे खाने में मिला रही है। यह मामला गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके का है। शिकायत के बाद रीना नाम के इस आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि यह सनसनीखेज खुलासा हुआ कैसे। पीड़ित परिवार के सदस्य बीमार रहने लगे थे। शक होने पर किचन में कैमरा लगाया गया। कैमरे में नौकरानी खाने में पेशाब मिलाते हुए दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस से शिकायत। पुलिस ने शिकायत और वीडियो के आधार पर आरोपी नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नौकरानी पहले तो अपना जुर्म कबूलने से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने उसे वीडियो दिखाया तो गुनाह कबूल किया। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया और दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस पूछताछ में आरोपी नौकरानी ने खुलासा किया कि वो इस घिनौने कांड को इसलिए अंजाम दे रही थी क्योंकि अक्सर गलती पर उसे मालिक डांटता था, जिससे वो काफी नाराज थी। बदला लेने के लिए उसने खाने में पेशाब मिलाना शुरू कर दिया।